वर्षा होती प्रबल वर्षा रे पुड़ी मालकानगिरी जिलार विभिन्न अंचल रे 5 फुट उच्चर पा प्रवाहित हो गाँ बजार पानी रे बुड़ी रही वर्षा पा घेर रही लोक उद्धार करने चली जोरदार रेस्क्यू ऑपरेशन अग्निशम एवं ओड्राफ टीम पक्षर उद्धार कार्य को जोरदार कर गत 24 घंटा मालकानगिरी 253 मिलीमीटर वर्षा होता रेकर्ड होता बेले माथिली 150 खैरपुट 217 चित्रकोडा 225 कोरकोडा 200 कालीबड़ा 137 पोड़िया 98 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो लगाण वर्षा विभिन्न नदी जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी जुआड़े देखिले खाली पानी आउ पानी 326 नंबर जातीय राजपथ पांगाम पोल 2 फुट उच्चर पानी प्रवाहित हो मालकानगिरी सहित माथिली को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाएपरी MV7 MV90 पोल वर्षा पानी प्रवाहित होती को देख प्रशासन पूरा अलर्ट रही विशेषकर तलिया अंचल लोक अन्त्र स्थानातर कर खाद्य जोगाई दि जाऊँगी एक्सक्लूसिव विजुआल देखा वर्तमान प्रबल वर्षा मालकानगिरी स्थिति केमती रही आप निजे देखिए अनुमान करूँ गत 24 घंटार रेकर्ड वर्षा जमी जीवन जात्रा ठप हो पड़ी जुआड़े देखिए पानी आउ पानी पानी घेर एवं अनेक लोक अच्छा से उद्धार करने रेस्क्यू ऑपरेशन को जोरदार कर प्रबल वर्षा जमी मालकानगिरी बुड़ी और रास्ता ठू आरंभ कर पोल जुआड़े देखूँ पानी आउ पानी जमी रास्त जमी बोट चली गाँव में पा बजार पा स्थित संगीन हो पड़ी बेहाल हो पड़ी प्रबल वर्षा रास्त 5 फुट्र पा जनजीवन अस्तव्यस्त हो वर्तमान केमती सेठाकर स्थिति रही महेंद्र पाणिग्राही और प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा महेंद्र प्रथम कहतु वर्तमान परिस्थिति वर्तमान केमती अच्छी केते लोक वर्तमान पा घेर अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन केमती चली महेंद्र देखु स्वागत जी कह संपूर्ण मालकानगिरी कथा जी कह मालकानगिरी रु माथिली को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए मालकानगिरी रु कालीमेला को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए कालीमेला मटु को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए जदि आम संपूर्ण मालकानगिरी कथा कहतायत तो गोटे प्रकार ठप हो जाए कह कारण जो भाई वर्षा है रेकर्ड संख्यक मालकानगिरी तेरे धरी गत काली राति वर्षार परिमाण धीरे धीरे बढ़िया लगी जहाँफल कि पांगाम ठू आरंभ कर पोटरु MV96 MV90 कांगुरकोंडा कन्याश्रम एभली विभिन्न पोल गुड़िक जलमग्न हो जाए सबुठ बड़ कथा है आप जो विजुआल देखि पड़ते कि भावे ये हूँ मालकानगिरी सदर महकुमु अल्प किसी दूर विजुआल MV7 नंबर जोटि की जो आम कह पोल बुड़ा सहित आखपाख जो कि घर रही से घर संपूर्ण बुड़ जाए आम तो चाष जमी कथा न कह भल कारण जी जिलार कह 70% जो चाष जमी रही बर्तमान जलमग्न हो रही बर्तमान जल स्रोत कमिले जना पड़ चाष जमी गुड़िकर अवस्था किभली रही जदि आम कह विभिन्न जो उद्धार कार्य जारी रही अग्निशम विभाग तरफ से जो पटेरु अंचल रही कांगुरकोंडा अंचल रही सबू अंचल गुड़िकर उद्धार कार्य जारी रही बर्तमान सुधा पाखापाखि 40-50 लोक को बर्तमान उद्धार करण कौटि कौटि जो गत काली तो काम चलूला धीरे धीरे पा बढ़िया जो से यातायात करणसी जगह को मुभमेंट हो पार ना जहाँफल कि आज अग्निशम विभाग उपरे विशेष भाव ध्यान दि जाए तो मालकानगिरी जो विभिन्न नदी रही वर्तमान देखिए कि जलस्तर वृद्धि पाई वर्तमान केमती वर्तमान सेठाकर स्थिति अच्छी कहीं आम जो एक्सक्लूसिव विजुआल देखा आकाश मार्ग रु जो चित्र आसूँ जहाँ निश्चित भाव में किभली भाव में स्थिति संगीन रही स्पष्ट भाव में देखा तो विशेष करके नदी स्थिति वर्तमान केमती अच्छी देखो स्वागतिका जी आम कह बर्तमान जहाँ खबर आस MV39 अच्छी से मेगा प्रोजेक्ट काम चलता जोटि की किसी श्रमिक सेठार फसी जाते जो मानक उद्धार कार्य जारी रही से मधु पखापाखि 7 जन श्रमिक को बर्तमान उद्धार करी आम जिलार सर्वमोट कथा कह जिले विभिन्न अंचल बर्षा जल जेहेतु अधिक रु अधिक बढ़ी जाए जहाँफल कि आम चित्रकोंडा कथा कह चित्रकोंडार बालीमेला को भी जतायत ठप हो जाए कारण जो भाई वर्षा गत काली वर्षार परिमाण बढ़ेगा जो विभिन्न स्थान माटी अतड़ा खसुची और आज आम सका कहूलु कि जो रेनफल रिपोर्ट कथा जी कह गत सका 8 आज सका 8 जाए मालकानगिरी माथिली खैरपुट और चित्रकोंडा अंचल गुड़िकर प्रबल वर्षा होती मालकानगिरी 253 मिलीमीटर वर्षा होता बेले
खैरपुट रे 217 एवं चित्रकोंडा रे 225 एवं करकोंडा रे 200 जहाँ फल कि चित्रकोंडार किसी घाटी अंचल माटी अतड़ा खसी रास्ता उपरक पड़ी जहाँ फल कि चित्रकोंडार बालेमेला को जोगाजोग नई आ निश्चित भाव में देखा कि आप जो कथा कहते हैं स्थिति एकदम संगीन हो पड़ी कि वर्तमान समय जो देखु केमती पूरा गाँ बुड़ी जाइए बजार हाट बुड़ जाइए जुआड़े देखिए महेंद्र खाली पा आ लोक मान जीवन एकदम संगीन हो पड़ी जमी स्थिति बेहाल हो पड़ी प्रशासन पक्ष कौन सब पदक्षेप नि आम देखु प्रशासन पूरापूरी नजर रखी वरिष्ठ अधिकारी जाऊँ तो वर्तमान कौन सब पदक्षेप नि ग्राउंड रिति कौन देखु किसी जो खबर कथा जब आम कह प्रशासन तरफ वर्तमान किसी स्थान प्रशासन तरफ रंधा खाद्य दि जाऊँगी आम कह माथिली अंचल पंचायत पक्षर कदमगुड़ा अंचल यू अंचल गुड़िक जोटी की क्षयतिर अधिक खबर सामना से अंचल गुड़िक प्रशासन तरफ रंधा खाद्य दि जाऊँ बना आश्रयस्थल में रखा जाए जो मान जो वर्षा आग को जारी रही जहाँ सूचना रही जहाँ आशंका कराऊ अंचल गुड़िक प्रशासन तरफ व्यापक व्यवस्था कर निश्चित भाव में महेन्द्र आम से विजुआल देखाऊ जिते पूरा पोल बुड़ जाइए पा घेर लोक मैंने अच्छा जो रास्त प्रतिदिन लोक जावासवा करती से रास्तार आज बोट चलू कहीं पांच फुट रहा कौटी पोल दुई तीन फुट रहा तो रास्त कौटी पांच फुट रहा चलू ये से ही अंचल जो लोक मैंने हाट बजार गाँ गंडा सब जमी दुई दिन वर्षा पूरा बेहाल हो पड़ी और बोट चलू अनेक लोक पा घेर कौटा रास्ता कौटा नदी और कौटा जमी मुश्किल सहित हेक्टर लोक घर आप जो विजुआल देखा ये देखते घर स्थिति कौन अधा पर्यंत पुड़ जाए अनुमान करूँ जो चार पांच फुट रहा प्रवाहित होने कौ भाई दुर्दशार अच्छा लोक मैंने कौ भाई चिंतार अच्छा कहीं लोक घर पा पशी जाए जुआड़े देखिए खाली पा आने स्थित संगीन तो यदि आगक वर्षा लगि रहा तो आहरी स्थित संगीन हम बोली महेन्द्र आम कही कि कहीं जो विजुआल आसूरी घर अधा पर्यंत अर्थात दुई दिन लगा वर्षा जदि एभली स्थिति जदि पुणी गोटे दिन वर्षा होची तबे आहुरी सांघातिक स्थिति होई पारे कि लोकों को दुर्दशा आहुरी बढ़ी पारे कि जो चित्र आम देखा केवल घर भितर पानी पशी और गोटे जे व्यक्ति अच्छा से देखुवे निजे आसबावपत्र को रक्षा करने चेस्टा कर जो भाई घर भितर को पांच फुट रि आसफल कि वर्तमान से नाई ना असुविधा जब आम कह जदि आम स्वागतिक कह पटेरी सर्वाधिक क्षयति होती आम कि लोक सहित फोन जो आलोचना कर जाना पाइल जो कि भाव से निज घर कबाट खोलियां कारण जो भाई बाहर जल घर भितर को न आसू से घर भितर को बंद कर किसी लोक कितु जो मैंने से कौन व्यवस्था नाई से भर को घर घर भितर को पा चली आसी जहाँफल कि वर्तमान घर भितर अंटाए पा उपायात करते तो टीवी स्क्रीन में देखी पार्थे न्यूज एटीन ओडियार एक्सक्लूसिव चित्र जो आम कहने किभली भाव निजी रक्षा करने चेस्टा करपर्यंत जो विजुअल देखा महेन्द्र जो घर एकदम कौटी बुड़ जाइए तो कौटी पूरा देखा कि पांच छ फुट रहा लोक दुर्दशा एभली बढ़ाई देती दुई दिन लगा वर्षा अनेपटे रेस्क्यू अपरेसन एवं भी आम महेन्द्र विजुआल देखाऊ अनेक लोक एवं भी निज घर छाड़ जावाको नाराज से पा भितर फसी रही तो विशेष करी देखा जो स्थित जो रही घर कौटी पूरा बुड़ जाइए कौटी अधा पर्यंत बुड़ जाइए रास्ता कौटी जमी कौटी जना पड़ू हेक्टर हेक्टर चाष जमी जलमग्न हो जाए लोक लोक मैंने रोसे करने एकदम मुस्किल जो लोक घर बुड़ जाए तो प्रशासन पक्षर जो मानक उद्धार करतमान सुधा पाखापाखी केच स्थान को उद्धार कराई रंधा खाद्य शुखला खाद्य कौन सब व्यवस्था करकृत प्रशासन जो पदक्षेप नौने सन्तुष्ट अच्छा कि प्रतिक्रिया रखिंट कि प्रभावित अंचल लोके देखु स्वागत आम प्रभावित अंचल किसी लोक मान आलोचना करूँ से सहित जो कि भाव से कौन से कौन से उद्धार कार्य से जारी होती ना ना बोली आम से आलोचना करूँ कि किसी लोक निजर घर छाड़ी जावाको नाराज आम से प्रतिक्रिया नौलु सबु बड़ कथा होती आम देखू स्वागत कि समय पर बर्षा कमिजो कि निजर आत्मापत्र को छाड़ी जावाक नाराज होती प्रशासनिक क्षेत्र में उद्धार करने चेस्टा करा
ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଘର ଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତମାମ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ତା ଭିତରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢିଯାଇଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅବପାତ ଜନିତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତେବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏସ୍ଆର୍ସି ଜଳସମ୍ପଦ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି କି ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେବେପାଇଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର 500 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି କୋରାପୁଟରେ 150 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଠି ବର୍ଷା କାଲିଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଅନୁମାନ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 5 ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବାର ଅଛି ସେଠି ନେଇଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସହର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇକି ପାଣି ଜମିଯାଇଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଅଣା ହୋଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଜୟପୁରରେ ଅଛି ଜୟପୁରର ଟିମ୍ 3 ଟିମ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲାନି ଆଉ 2 ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଯେମିତି ଛତରପୁର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଦନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଜୟପୁରକୁ କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ବି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ ଏବେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏମିତି ବୋଧ ହେଇକି ଯାହା ଅନୁମାନ ଅଛି ଏମିତି ହେଇକି ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏମିତି ହେଇକି ପାସ୍ କରିବ ତ ଯେହେତୁ କି ଏଠିକାର ଟିମ୍ ଆମର ଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ସଦର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ NDRF ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଲା ବେସିନ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ପୋଟେରୁ ମାଲକାନଗିରି ଏଇ ଏରିଆ ଗୋଟେ ବେସିନ୍ରେ ଆଭରେଜ 127 mm 253 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେବେ ଆମର ସିଲେରୁ ସାବେରୀ ଯେଉଁଠି ମିଶୁଛି କଣ୍ଟା ସେଇଠି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତାର ସତର୍କ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ 4.3 meter ତଳେ ରହିଛି ତେଣୁକରି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ବି ହେବ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଅଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ତା ସେଇ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ବି ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ